अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक उम्मीद करता हूँ सब ठीक ही होंगे। जैसे कि आप जानते हैं, मैं हूँ असमत। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन को प्रेस करें। तो भाई आज का सीन कुछ ऐसा है कि भाई जैसे कि आप लोगों को पता है कि PSL चल रहा है, तो अभी मैं जा रहा हूँ भाई PSL मैच देखने की। तो अभी मैं रेडी हो चुका हूँ और भाई PSL की मैंने शेड भी अपनी बनवाई अपने नाम की, और पेशावर ज़र्मी मेरी फेवरेट टीम है। तो आज पेशावर ज़र्मी का और कराची का मैच है, तो वो देखने के लिए मैं जा रहा हूँ। तो चलें सीधा चलते हैं स्टेडियम पे। भाई फाइनली मैं यहाँ पर आ गया हूँ स्टॉप पे। रेड बस का इंतज़ार कर रहा हूँ, जो रेड लाइन है उसका वेट कर रहा हूँ। वो तो वहाँ से आ रही है गाड़ी, तो इस पर मैं जाके सीधा बैठूँगा, फिर वहाँ से उतरूँगा, फिर जाऊँगा स्टेडियम की तरफ। तो भाई फाइनली मैं बैठ चुका हूँ रेड बस पे। तो ये गाड़ी तकरीबन ना मुझे 30 मिनट में मुझे स्टेडियम के करीब पहुँचा दी। तो भैया फाइनली टिकट भी मुझे बस की मिल चुकी है 100 रुपये में। पहले से ही टाइम कम है, ऊपर से ही रोकेगा। मैं यहाँ पर उतर चुका हूँ कार साज पर, और अभी यहाँ से मैं देखूँगा कोई बाइकिया वाला कोई नज़र आएगा तो उसके साथ जाऊँगा नेशनल स्टेडियम पर। तो भाई फाइनली ये इन ड्राइव वाले हैं, इनसे मेरी बात हुई है, ये मुझे लेके जा रहे हैं। भाई पहले मैं जाऊँगा एक्सपो स्टोर, वहाँ से परचेस करूँगा PSL की टिकट जो है पेशावर ज़र्मी और कराची की, और उसके बाद मैं जाऊँगा सीधा नेशनल स्टेडियम। स्टेडियम की पार्किंग और ये है स्टेडियम सामने। तो भाई फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं एक्सपो सेंटर पर, ये सामने DCS वाला है। तो DCS ऑफिस पर जाके मुझे भाई टिकट लेनी है PSL की, आज के मैच की। तो पहुँच चुका हूँ टिकट लेने के लिए। फाइनली मैंने यहाँ से टिकट परचेज़ कर ली है, और चूँकि ट्रैफिक आप लोग देख सकते हैं सामने नेशनल स्टेडियम में, और ये है इन ड्राइव वाला, और मुझे जल्दी से जल्दी पहुँचना है स्टेडियम के अंदर। सामने से व्यू बहुत अच्छा नज़र आएगा, और अच्छे अच्छे जो भी प्लेयर्स होंगे सारे प्लेयर्स नज़र आएँगे मुझे। मेरा गेट नंबर 1 है, तो आपको दिखा रहा हूँ। नहीं मेरे भाई, मैं खुद लेके आया हूँ अभी। तो भाई ये सामने सबसे पहले मैं यहाँ पर जाऊँगा, उसके बाद मुझे अलाउ करेंगे अंदर जाने के लिए। कितना नंबर है?
गेट नंबर वन है। तो भाई मैं क्रिकेट लवर कुछ ज़्यादा ही हूँ, तो क्रिकेट मैच देखने के लिए थोड़ी सी क्वारी करनी पड़ती है। तो अभी जा रहा हूँ, मैं सामने ही मेरा गेट आ गया है, गेट नंबर वन। जो अभी दूसरे गेट थे, जैसे कि हो गया नंबर 2, 3, 4, ऐसे करके 14 नंबर तक जाते हैं। तो मैंने ना नंबर वन वाला लिया है टिकट, क्योंकि मुझे व्लॉग बनाना है और सामने प्लेयर्स को देखना है, जिसके लिए यहाँ पर आ रहे हैं उनको देखना है। तो फाइनली मैं स्टेडियम के अंदर पहुँच चुका हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले और यहाँ पर स्कैन होगी, यहाँ से सबसे पहले टिकट की स्कैन होगी, उसके बाद यहाँ आपको अलाउ करेंगे आगे जाने के लिए। तो अभी मैं अपने गेट नंबर वन पर जा रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ। तो गेट नंबर वन मैं पहुँच चुका हूँ स्टेडियम के अंदर, और यहाँ पर आपको दिखा दूँ, यहाँ पर तो मेरे ख्याल से अभी पूरी की पूरी सीटें खाली हैं यार, कोई भी नहीं आया, मतलब मैं ही अकेला आया हूँ यहाँ पे। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो भी खिलाड़ी वगैरह हैं सारे यहाँ पर बैठेंगे, जो भी क्रिकेटर हैं, तो बस वो थोड़ी देर पर यहाँ पर आएंगे। और यहाँ पर आपको दिखा दूँ, ये पूरी की पूरी सीटें खाली हैं अभी, मतलब कि यहाँ पर पहला बंदा मैं हूँ। चलो सेट हो गया, तो ये पूरा सेट आप लोगों को दिखा दूँ भाई, ये है। तो अभी मैं फुल इन्जॉय कर रहा हूँ, अकेला ही यहाँ पर हूँ, ये सारे कैमरा वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। सैम अयूब, बाबर आजम, सब लोग यहाँ पर आएँगे और आपको सारा यहाँ पर दिखाऊँगा मैं। तो ये तो पूरी की पूरी सीटें खाली हैं। तो भाई मैंने तो यहाँ पे शुरू से बैठना, ये सीट आप देख सकते हैं, सीट भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी है, कंफर्टेबल है, बैठ सकते हैं, मज़े से बैठेंगे। और यहाँ पर सिर्फ मैं अभी अकेला आया हूँ। सीन कुछ ऐसा है कि यहाँ पर खाली स्टेडियम पर मैं आ चुका हूँ, मतलब कि जो कि बाहर से जो बंदा आ रहे हैं, पहला तो मैं यहाँ पर आया हूँ, और यहाँ पर ये जो सारे लोग हैं ये मैनेजमेंट के बंदे हैं, ठीक है, ये PCB के बंदे हैं। तो अभी आप लोगों को दिखा दूँ कि ये देखें, ये पहली लाइट जल गई। और आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो कि चांद नज़र आ चुका है। भाई आप लोगों को चांद मुबारक हो, रमज़ान का चांद मुबारक, आपको भी चांद मुबारक, बहुत शुक्रिया मेरे भाई, थैंक यू। तो भाई ये आप लोगों को दिखा दूँ, पहली लाइट तो जल गई है, प्लेयर्स भी आ चुके हैं, टीम आ गई है यहाँ पर, और थोड़ी ही देर में आप लोगों को दिखाऊँगा कि यहाँ पर सारी टीम आएगी, यहाँ पर बैठेगी सारी टीम, देख रहे हैं आप लोग। तो थोड़ा सा ऊपर जाके आप लोगों को दिखा दूं, थोड़ा सा और भी ना, मतलब के साफ क्लियर नज़र आएगा। कहाँ है भाई चांद, कहाँ है, आपको नज़र आ रहा है चांद, नज़र आ रहा है आप लोगों को, कहाँ है ऊपर? हाँ, वो बिल्कुल बारीक सा है, देखो गौर से। हाँ भाई ये लाइट के पीछे से बारीक से मोबाइल में नज़र, वो जाहिर है। हाँ आगे आगे नज़र आ रहा है थोड़ा सा, तो ये हाँ ये रहा, थोड़ा सा नज़र आ गया। तो भाई आप सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। मतलब कि आज का मैच जो शुरू होने वाला है, ये शुरू होगा तकरीबन 9 बजे और ये ख़त्म होगा तकरीबन 1 या 1.5 बजे तक, तो मैच ख़त्म होगा। अगर टारगेट बड़ा हुआ तो फिर 1-1.5 बज जाएगा। तो भाई अभी थोड़ी बहुत ना मैं अपनी भी वीडियोस वगैरह बना लूँ, अभी तो क्राउड इतना नहीं आया और प्लेयर्स भी नहीं आए, अभी आएँगे थोड़ी देर में प्रैक्टिस के लिए। तो जब तक मैंने सोचा क्यों ना भला मैं अपनी भी वीडियोज़ बना लूँ, फ़ोटो वोटो ले लूँ, शूट कर लूँ। और ये भी सामने है, अब आप लोग इनको देखें, ये जो सामने बैठे हुए ये सारे ना बॉल्स वगैरह पकड़ते हैं। अब इससे भी मालूम करते हैं कि भाई ये लोग किस खिलाड़ी से मिलते हैं, हर रोज़ मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, अब इनसे बात करते हैं। तो भाई अभी ना मैं आप लोगों को उन बंदों से मिलवाने वाला हूँ जो कि स्टेडियम के अंदर जो यहाँ पर फील्डिंग होती है, फील्डिंग के दौरान बीच में जो यहाँ पर वाइट कलर की ड्रेस में जो होते हैं ना बच्चे, इधर उधर भागते हैं, बॉल पकड़ते हैं, क्योंकि वो उनसे आज तक कोई खिलाड़ी मिला है कि नहीं मिला। किस चलें भाई, ये है भाई, ये जो है ये जाते हैं वहाँ पर जो फील्डिंग होती है, जो स्टेडियम के अंदर जो बॉल पकड़ते हैं बंदे, तो ये वहाँ पर होते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हो, ठीक हो? अच्छा भाई ज़रा आप ये मुझे बताएंगे कि जैसे यहाँ पर स्टेडियम के अंदर फील्डिंग वगैरह होती है, तो आप लोग के पास बॉल वगैरह आती है, तो कोई किसी क्रिकेटर से बात हुई है कि नहीं हुई? ये होती है अक्सर, कोई बात करते हैं कोई नहीं करते। अच्छा, बॉल लेके चले जाते हैं। अच्छा, बॉल लेके चले जाते हैं। उस दिन मैंने एक देखा था, एक बंदे ने कैच पकड़ा था, लड़के ने जिसने पकड़ा था, मेरे ख्याल से वो कौन सा खिलाड़ी था यार, मुनरो था, हाँ उसने जल्दी से उसको ना हग कर दिया था, पकड़ लिया था, बड़ा VIP कैच पकड़ा। तो वो कौन सा है, कराची का था या पिंडी का, लाहौर का? पिंडी का लड़का था, आप जानते हो उसे? सुभान खान ने। चलें ठीक है भाई, बहुत अच्छी फील्डिंग करता है वो भी, मतलब कि फील्डर ने माशाल्लाह से अप्रिशिएट किया था उसको। अच्छा भाई आपसे कोई खिलाड़ी वगैरह मिला आज तक? मिले तो हैं लेकिन रिजवान मिला है, बस सिर्फ सलाम दो, ये ज़्यादा बातें नहीं है। अच्छा, बॉल पकड़ते वक्त ऐसे सलाम दो, मतलब हम करेंगे तो ला के उन्हें पूछी चीज़ें,
नाम वाम पूछा था। अच्छा नाम वगैरह मालूम किया था? अच्छा मतलब कोई उसको कोई आपने कोई बॉल वगैरह कराई या कुछ ऐसा कोई एक कोई बातें बातें बस थोड़ी सी बात की बस आपसे कुछ पूछ रहा था कि भाई क्या सीन है ये बॉल कैसे क्या करते हो क्या कुछ कुछ पूछा था आपसे बस यही पूछा था कि सलाम दुआ की। अच्छा नाम शाम नाम वगैरह पूछा था। चलो यार बेस्ट हो गया आप तो आप लोग तो मिलते हो लेकिन हम लोग तो नहीं मिलते। हम लोग उनके लिए पता नहीं कहाँ कहाँ दूर दूर से आते हैं यहाँ पर मिलने के लिए लेकिन कोई मिलता नहीं है। चलें और कोई मिलता है भाई आप लोगों में से कोई? बहुत सारे लोग हैं ये जो बच्चे बैठे हैं सारे तो ये इधर ही होते हैं स्टेडियम के अंदर तो ये भी हैं जो आप देख सकते हैं सारे के सारे। तो भाई ये आप लोगों को दिखा दिया कि पीछे भी बैठे हैं सारे बच्चे ये सारे जाएंगे जैसे ही यहाँ पर फील्डिंग के लिए प्लेयर आएंगे मैच स्टार्ट होगा ये सारे बाउंड्रियों के बाहर आ जाएंगे। जैसे ही बॉल आएगी अगर फील्डर के हाथ में आ गई तो ठीक है नहीं तो यहाँ पर आती है तो ये लोग पकड़ेंगे अगर यहाँ पर आती है तो मैं पकड़ूंगा भाई सीधी बात है। और ये हैं पीसीबी के मैनेजमेंट वाले जो भी बंदे हैं सारे ये आपको दिखा दूँ ये सारे मैनेजमेंट के बंदे हैं। ये वाला गेट जो ये पूरा खाली है ठीक है थोड़ी ही देर में ये फुल हो जाएगा। आप लोगों को ये बता दूं कि जो टीवी पर दिखाते हैं ना टपाल टी का जहाँ बैठे तो वो ये जगह टपाल टी के लिए। अगर जैसे कि रमज़ान शुरू हो चुका है चांद नज़र आ गया रमज़ान अल मुबारक का तो स्टार्टिंग ताजदार हरम से की जा रही है। आज स्टेडियम पे जो गाने वगैरह चलाते हैं ना आज उसकी जगह पे ताजदार हरम चला रहे हैं तो ये आप देख सकते हैं अभी तक तो क्राउड इतना नहीं आया तकरीबन अभी तो मेरे ख्याल से 8:15 हो रहे हैं ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्राउड इतना नहीं है। ये सामने है ना यहाँ पे स्पेशल जो भी आओगे क्रिकेटर सारे वहाँ पर बैठते हैं ये भी दिखा दूँ आपको यहाँ पर ठीक है तो ये स्पेशल जगह है जहाँ पर मैं बैठा हूँ ना ये स्पेशल जगह है तो ये आप देख सकते हैं। कुछ ऐसा है कि यहाँ पर स्टेडियम पे मेरे अपने जान पहचान वाले मेरे भाई मिल गए मैं भी सिंधी हूँ और ये भी सिंधी हैं भाई सामने और अभी हमारी मुलाकात हुई है। भाई कहाँ से आए हो आप लोग? अंबरकोट से आए हो सारे एक साथ ही आए हो? चलो भाई सेट हो गया आप क्या क्या लेकर आए हो भाई? पोस्टर लेकर आए हो? कौन कौन से पोस्टर हैं खोल के दिखाना ज़रा। वाह यार ज़बरदस्त थोड़ा और खोलना है इसका सेट हो गया ब्रो वीआईपी कैमरा पे तो आपका नाम पक्का ही पक्का है। तो भाई ऐसा पान सिंधी आए हूँ माँ भी इन्हें सिंधी का लेंदम भाव ठीक है बिल्कुल बिल्कुल जैसे व्यूअर जन मुझे जैसे समझन था लेना था समझन वो भी समझी बन लेते ठीक है भाई। अभी तो हमारा मैच स्टार्ट होने वाला है तकरीबन 9 बजे और भाई आप लोगों को सबको मुबारक और रमज़ान की चांद नज़र आ गया तो अभी जैसे ही रमज़ान का चांद नज़र आया तो इन लोगों ने ताजदार हरम चलाना शुरू किया है। अच्छी बात है ठीक है ना ब्रो तो इंशाल्लाह हम लोग एक साथ ही बैठ के ना एंजॉय करेंगे मैच देखेंगे। तो मैं आप लोगों से एक सवाल और करना चाहता हूँ आप लोग कहाँ से आए हो दोबारा बताइएगा? उमरकोट यूके से आए हुए। सीन कुछ ऐसा है कि अभी फाइनली प्रैक्टिस के लिए ना सारी टीम आ चुकी है जलमी की टीम भी आ गई है कराची की टीम भी आ गई है यहाँ पर प्रैक्टिस शुरू हो चुकी है तो आपको सामने से जाके दिखाता हूँ। डेरन सैमी और सारे जो भी हैं वो सब यहाँ पर आ चुके हैं। ये हैं सामने जो कि प्रैक्टिस कर रहे हैं आपको दिखा रहा हूँ। डेरन सैमी भी आए हुए बाबर आजम भी हैं आमिर जमाल ये रहे आमिर जमाल ये सामने आपको दिखा रहा हूँ और इसके अलावा बहुत सारे खिलाड़ी ये देख लें और ये हसन अली आपको दिखा दूँ हसन भाई सारे प्लेयर्स हैं
सब आ रहे हैं जा रहे हैं, और यहाँ पर कमेंट्री वगैरह होगी सामने तो थोड़ी देर में। बाकी अभी प्लेयर्स आएंगे, आपको दिखाऊंगा सारे व्यू यहाँ पर क्या क्या हो रहा है, सब कुछ आपको दिखाते जाऊँगा। भाई ये सामने माइकल खड़ा हुआ है, अब इसको बुला रहे हैं हम लोग, ये देखना देखेगा। माइकल तो भाई आप लोगों ने देख लिया, इसने हाथ भी हिला दिया, डन हो गए। माइकल जलमी कराची की टीम आई है, प्रैक्टिस कर रही है, थोड़ी ही देर में बस 10-15 मिनट में टॉस होगा, उसके बाद होगी इनिंग्स शुरू। आप लोगों को बता दूं, ये रहा सामने पोलार्ड भी आया हुआ है, प्रैक्टिस कर रही है, सामने पोलार्ड खड़ा हुआ है प्रैक्टिस के लिए आया हुआ, और बाबर आजम और शान मसूद टॉस के लिए वहाँ पर खड़े हुए हैं, टॉस करने के लिए गए हुए हैं। टॉस टाइम हो गया भाई, ये भी टॉस का टाइम हो चुका है, टॉस होने वाला है। बाबर आजम कुछ ऐसा है कि अभी ना बाबर आजम ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया है, अभी बैटिंग शुरू होने वाली 10-15 मिनट में। भाई फाइनली ये भी मैंने देख लिया, तो ये पोस्टर भी आ गया हमारे पास, और मैच स्टार्ट हो चुका है। ये भाई आ गए भाई टीवी पर आ गए, ये डेनी कहाँ है भाई, डेनी है डेनी बैठा है भाई। पहली बॉल पे 2 रन भाग गए, पहली बॉल पे भाई बाबर आजम ने सैम अयूब ने 2 रन ले लिए। तो भाई ये दूसरी बॉल जा रही है यहाँ पर, दूसरी बॉल, और ये देखते हैं सैम, ओ आउट होते होते बच गया भाई। शिट यार, रिव्यू ले लिया है, बाबर LB हो गया मेरे ख्याल से। ये बाबर के आउट होने पे खुशी मना रहे भाई ये लोग, आउट होने पे डिसीजन देख रहे हैं यहाँ पर, बाबर आउट है कि नहीं, वो बैट को लगा है शायद, बैट को लगा। ओ ये फाइनल डिसीजन दिखा रहे हैं भाई यहाँ पर, और ये बैट को लगा यार। बाबर दो रन हो गए भाई, 2 रन। बोलो उस्ताद कुछ बोलो।
तो भाई सीन कुछ ऐसा है कि अभी यहाँ पर भाई हम लोग तो यहाँ पे तमाशे ही हैं, छक्के चौके। ये भाई है जिसने भाई अभी ना मुझे ये लेस पापड़ दी अभी। थैंक यू भैया, थैंक यू बाबर बाबर। वाओ, ब्रेक मारो भाई ये सामने देखा टपाल्टी वाले जो है अभी यहाँ पर भी यहाँ पर लेकर गए कपिल को खाली कप है। तो भाई आप लोग देख सकते हैं अभी मेरे साथ चाचा पाकिस्तानी है। चाचा अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, मेरा नाम मोहम्मद पाकिस्तानी है। मैं PSL को मुल्तान के अंदर वेलकम किया, लाहौर के अंदर किया। आज खासकर मैं पिंडी से आया हूँ। जैसे आया हूँ तो मैं सिंध के अंदर लीग को वेलकम किया। जो टीम जीते जीत आप ही होगी, लेकिन PSL को आप लोगों ने कामयाब करना, क्योंकि मुल्तान के अंदर नंबर 1 करोड़ था, उसके बाद सबसे ज़्यादा करोड़ मैंने देखा पिंडी के अंदर देखा। लेकिन लाहौर का और कराची का मुकाबला है, लेकिन कराची से बेहतर लाहौर है। आज कराची में क्राउड आया हुआ है। वो हाँ, क्राउड आया है। 5% पड़ा हुआ है कि हम मामे का नाम सुन के वो लोग आए हैं। लेकिन इंशाल्लाह जो कल मैच होगा, जो जितने मैच करीब चलते जाएंगे, लेकिन आपको इंशाल्लाह करोड़ मिल जाएगा। अच्छा, ये बताए आज पेशावर गेम में स्कोर कम किया, क्या कहते हैं इसके हवाले से? तो ये तो जहाँ तक मेरा ख्याल है तो ये इसको बड़ा छोटा स्कोर नहीं है। लेकिन मैं सपोर्ट कर रहा हूँ कराची किंग को, कर रहा हूँ कराची किंग को, कर रहा हूँ। कराची किंग ने अगला 3 मैच यहाँ पर हारे थे और चौथा यहाँ पर जीता है, लेकिन मैं आज कराची किंग के साथ हूँ। अच्छा अच्छा, तो आप लोगों ने सुना कि आज चाचा कह रहे हैं, आज चाचा कराची किंग के साथ है, और ये कह रहे हैं कि आप लोग भी यहाँ पर आए, इसको क्राउड को ज़्यादा बढ़ाएं, हाउस फुल कर दें इसको कराची स्टेडियम। जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद। क्या लगता है कौन सी टीम जीतेगी? मैं तो कराची को सपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि कराची में ये नहीं चाहना तो कराची 5 नंबर पर आए या 6 पर आए, लेकिन हाल किसी हिसाब से आपके सामने लाहौर हार रहा है, लेकिन लाहौर से पूरी शर्म लाहौर तो जीतते जीतते हार रहे हैं। तो कोई बात नहीं, जीत पाकिस्तान की जो टीम ने, लेकिन दुख लगता है बड़ी टीम हार गए हैं, लेकिन मेरी टीम जो फेवरेट टीम कप विनर जो है कोयटा और इस्लामाबाद है। कोयटा और इस्लामाबाद चाचा की फेवरेट टीम है इंशाल्लाह। आ जाओ, मोबाइल की बैटरी लो हो रही है। फाद भाई, फाद भाई, फाद भाई ऑटोग्राफ कैसे? मेरे पास है, लाए ऐसे घुमाते। मेरा मोबाइल है बिल्कुल ऑफ होने वाला है, 5% रह गया, तो इस वजह से अभी यहाँ पर तो स्कोर बोर्ड देख रहे हैं हम लोग कराची का स्कोर। अच्छा, 2 ओवरों पे 7 स्कोर है 0 विकेट पर। और अभी बैटिंग पे कौन खड़े हुए? ये शॉर्ट और विम्स। विम्स खड़ा हुआ, और कौन है? शॉर्ट। अच्छा चले, ठीक हो गया। तो चाचा जी मेरा मोबाइल बिल्कुल ऑफर है, 5% रह गया। तो अभी मैं ब्लॉग को यहाँ पर एंड कर रहा हूँ। और इंशाल्लाह आप लोग को, आपको लोग फॉलो भी करेंगे इंशाल्लाह। आप पाकिस्तान के लिए कर रहे हो और सिंध के लिए कर रहे हो, मैं भी आपके साथ है। बहुत शुक्रिया चाचा। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो यहाँ पर मैं व्लॉग को करता हूँ एंड, अब मिलेंगे हम अगले व्लॉग इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।